सिद्धार्थनगर जिले में पटाखे की दुकान लगातार जांच की जा रही है। डीजीपी के आदेश के क्रम में जिले के बांसी कस्बे में सीओ नईम खान मंसूरी ने महफोर्स के साथ कस्बे की चार पटाखों की दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें पटाखा बेचने वालों का लाइसेंस फायर और स्टॉक के कागजात की जांच की और साथ ही निर्देशित किया गया कि दिवाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पटाखे की क्षमता की भी जानकारी ली। सीओ ने बताया कि जगह जगह पुलिस बल लगाई गई है, जिससे दिवाली में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। थाना प्रभारी और उप निरीक्षकों को भी हिदायत दी गई है कि वो लोग समय समय पर इन पटाखे की दुकानों पर जाकर सुरक्षा का जायजा लेते रहे। सिद्धार्थनगर से दीप कुमार यादव की रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी मिली, क्या यहाँ सबसे सही पाया गया, कुछ कमियाँ मिली? देखिए, शासन के निर्देश के अनुसार पटाखों की दुकान की चेकिंग किया जा रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। दीपावली का पर्व 7 तारीख को है, तो शासन के निर्देश के अनुसार आज मैंने चारों जो लाइसेंसधारी दुकानदार हैं पटाखों के, उनको सभी को चेक किया। सभी दुकानों में पानी और बालू और फायर की सभी की व्यवस्था ठीक पाई गई और सभी की दुकानों के लाइसेंस को चेक किया गया, लाइसेंस की रिन्यूअल कराया गया है और लाइसेंस की अवधि अभी शेष है।